Guys, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So guys, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ. तो गुड न्यूज़ कह लो, चाहे रेगुलर अपडेट, आप इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट कह लो. जो ओपन स्टेट है एक तेलंगाना, उसने कैटेगरी बी के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म वो है इशू कर दिए हैं. आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो वाइज कैटेगरी बी क्या है, सबसे पहले मैं ये आपको अंडरस्टूड करवा दूँ. कैटेगरी बी का मतलब है कि कोई से भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जरूर इसमें डोमोसाइल, तेलंगाना स्टेट डोमोसाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो वाइज ये वेबसाइट है कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. तो उसके नीचे जाके मेरे को कुछ ऐसे टाइटल्स दिखते हैं. सबसे पहले प्रोस्पेक्टस है मैनेजमेंट कोटा के अंदर, और उसके साइड में उसकी लिंक गई हुई है. तो जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो उसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. सेकंड नंबर पर नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और थर्ड पर फ़ी पेमेंट है. तो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बताता हूँ. तो ये सबसे पहले प्रोस्पेक्टस है उसका, सॉरी उसकी नोटिफिकेशन है. तो इसमें बताया गया कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के लिए एडमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है अवेलेबल हो चुके हैं. तो सी कैटेगरी क्या है गाइस, सी कैटेगरी NRIs के लिए होती है, और बी कैटेगरी मैंने आपको बताया था ओपन कैटेगरी, कोई से भी स्टेट का उसमें अप्लाई कर सकता है. वह इसमें काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं. तो अब मैं उसकी कुछ टाइमिंग बताऊँ. तो आज यानी कि 3 जुलाई 2019 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है, और ये आने वाली 10 जुलाई 2019 तक शाम को 6 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. आप ऊपर के फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन इसमें देखें. इसके अलावा इसके प्रोस्पेक्टस की बात करें, इसका शेड्यूल देखें, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन ये कल हो चुका है 2 जुलाई 2019, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट वो आपको 9 बजे आज सुबह से अवेलेबल हो चुके हैं, और 10 जुलाई 2019 को शाम को 6 बजे तक रहेंगे. इसके बाद डेट ऑफ रिलीज ऑफ प्रोविजनल मेरिट पोजिशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 11 जुलाई 2019 को आ जाएगी. और डेट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो अभी टू बी नोटिफाइड है, अभी वो बताई जाएगी, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं करी है. इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ क्लास यानी कि क्लास आपकी स्टार्ट 1 अगस्त 2019 से हो जाएगी. इसके साथ ही इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल करके आप इनसे हेल्प ले सकते हैं. और इसमें फॉर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज नंबर इसमें सब लिखा हुआ है. तो ऑनलाइन आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें कॉल करके अपनी इनकी हेल्प ले सकते हैं. एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें नॉर्मल है, जो बाकी सब अभी काउंसलिंग के लिए चाहिए थी किसी भी, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, उस पर वीडियो बना चुका हूँ. इसके अलावा इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है वो बी कैटेगरी यानी कि जो ओपन स्टेट वाले हैं उनके लिए MBBS के लिए 40,000 है, और BDS के लिए 20,000 है. सी कैटेगरी यानी कि NRIs के लिए 70,000 है MBBS की, और BDS की 40,000 है. ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस अभी इन्होंने फ़िक्स नहीं करी है. सेकंड पॉइंट पर आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ीस एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसमें अभी फ़ीस अभी डिसाइड करेगी, और जहाँ तक है ये 2017 के लगभग ही रहेगी, 2017 वाली जो इनका सेक्शन चल रहा था वही चलेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको आज सुबह 9 बजे से मिल चुके हैं. और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये नॉर्मल है जो हर टाइम आपको चाहिए रहते हैं. अभी आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए डाला होगा तो उसमें भी होंगे. नीट यूजी 2019 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ताकि आप फ़ी पे कर पाएँ. तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, क्योंकि अगर आप का अपने स्टेट में नहीं आया है, ये एक ओपन स्टेट है तेलंगाना, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसकी वेबसाइट खोलें, ढंग से पढ़े तो आपको उसमें सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगी. मैं इसमें सीट मैट्रिक्स बता देता पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता. तो वाइज आप वेबसाइट पर जाके सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज सीट कितनी है उसमें सब बताया हुआ है, तो आप अपना देख सकते हैं उसमें. तो गाइज ऐसे ही मिलते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए. हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से कोई अपडेट आती है तो आपके फ़ोन या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाए. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.